बृहस्पति ग्रह का प्रभाव। हमारे YouTube चैनल ऑथेंटिक ज्योतिष पर विभिन्न ज्ञान वर्धक कार्यक्रम देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। टाइप करें ऑथेंटिक ज्योतिष। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण भारती। मित्रों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन के किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालता है। यदि हमारी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो क्या प्रभाव डालता है और यदि कमजोर है तो क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपनी कुंडली में अच्छे या बुरे बृहस्पति के प्रभाव को समझने की कोशिश कीजिए। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु माना जाता है। यह धनु और मीन राशि का स्वामी है। शिक्षा, संतान, बड़े भाई, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन धान्य पूरण और सुख सुविधा की वृद्धि आदि का कारक होते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति पर बृहस्पति ग्रह की कृपा बरसती है उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। बृहस्पति ग्रह का गोचर जन्मकालीन राशि से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में होता है जातक के जीवन में प्रगति ही प्रगति होती है। यदि कुंडली में कोई ग्रह कमजोर भाव में हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वह मजबूत हो जाता है। मजबूत चंद्रमा के कारण व्यक्ति को गुरु से शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन इसके विपरीत कमजोर बृहस्पति जातकों के लिए अच्छा नहीं माने जाते। इसके कारण जातक को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़ा हो तो उसे इस क्षेत्र में परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। जिस व्यक्ति के लग्न भाव में देव गुरु सोम स्थित हो या बैठे हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। इसके प्रभाव से जातकों का व्यक्तित्व सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा वाले, विद्वान और उच्च विचारों के होते हैं। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक और दान पूर्ण करने में आगे होते हैं। यदि इस व्यक्ति को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में गुरु स्थित हो तो उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है। हम जानते हैं कि कर्क बृहस्पति ग्रह की उच्च राशि है, अतः गुरु इस राशि में बलवान होता है। बलवान गुरु के प्रभाव से व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करता है। जातक शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहता है, उसके जीवन में धन की वृद्धि होती है, धार्मिक, ज्ञानी और ईमानदार भी होता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय। गुरु ग्रह के दोष को कम करने के लिए गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करें। पीली वस्तुओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, जैसे बेसन के लड्डू। बृहस्पति के दिन पीले वस्त्र धारण करें। भोजन में पीली वस्तुओं का प्रयोग करें और नमक का परहेज करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा या फोटो को पीले वस्त्र पर स्थापित करें। गुरु मंत्र जैसे ओम बृहस्पताय नमः का जाप करें। पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे सोना, हल्दी, चने की दाल, आम, केला आदि। शिवजी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। दोस्तों, आप चाहे तो अनामिका उंगली में एक पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप किसी ज्योतिष सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाथ की रेखाएं दिखाकर शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाएं, अपना भाग्य रत्न जानें, हस्त विज्ञान के द्वारा जानें अपने जन्म का दिन और समय, विवाह, नौकरी, बाधा निवारण, नवग्रह शांति, यंत्र सिद्धि, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु एवं फेंग शुई। ज्योतिष प्रवीण भारती, महालक्ष्मी ज्योतिष रत्न केंद्र, मोबाइल नंबर 9773529116, वेबसाइट एड्रेस www.astrologerpraveenbharti.com, फेसबुक एड्रेस एस्ट्रोलॉजर प्रवीण भारती, हमारा पता है 830 ब्लॉक सी, श्रावण रोड, आदर्श नगर, नियर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2, दिल्ली 33।